ヘムの G! Oh, we are back with another vlog. खवातीन और हज़रात, ओके यार चले ठीक हो ना खवातीन और हज़रात, आज का जो लोग है बड़ी स्मैक्सी और सो डिलिशियस होने जा रहा है। सो डिलिशियस क्यों होने जा रहा है भाई साहब, अभी आपको दिखाते हैं जरा, ये तो देख लो। ओए होए 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 भाई साहब, आज थोड़ा वीरा सुबह सवेरे उठ गया, और सुबह सवेरे कितने बजे हुई है नहीं आप खुद देखो ना भाई साहब, सुबह सवेरे हुई है जी 3 बजे। ओहो 3 बज गए हैं। सो लिहाजा अभी नाश्ते का होने लगा है जी उजाड़ा, और नाश्ते में हमारे पास है जी मज़ेदार सी बिरयानी, ओए हुए हुए विद खजाना रे खजाना, विद अचार, विद इमली आलू भरा। ओ भाई साहब, दिस इज़ दिस सो डिलिशियस लुकिंग, सो शाइनी शाइनी बिरयानी मज़ेदार। और इसके अलावा यहाँ पर है जी रायता रे रायता, मज़ेदार सा रायता। फिर है जी पानी, उसके अलावा यहाँ पर आ जाएँ तो भाई साहब यहाँ पर है जी दूध, एंड ओ भाई साहब ये है जी ब्रेड एंड एग। सो अभी टाइम हुआ चाहता है जी इन सारी चीज़ों का उजाड़ा करने का। सो उजाड़ा करने से पहले हम अभी क्या करें, अभी फ़ौरन हम मिनट से पहले आपका करते हैं जी वेलकम अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने बदर भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्त लाइक और कमेंट कर दें ना। और जैसा कि आपको पता है कि आज की प्लानिंग में क्या शामिल है, आज हमने जाना जी शॉप पर थोड़ा सा जल्दी, इतना जल्दी कि भाई साहब 3 ही बज गए, चलो 4 बजे तक चले जाएंगे ना यार नाश्ता वाश्ता खत्म करने के बाद। सो ऐसा करते हैं, बाकी की बातें फिर करते हैं, ज़रा नाश्ते का अच्छी उजाड़ा तो कर लें भाई साहब। अब बनने जा रही है एक ओपिमम बाइट। ओपिमम बाइट बनाने के लिए यहाँ से हमें थोड़े से लेने पड़ेंगे जी चावल। चावल हमने क्या करना है, ये ब्रेड के ऊपर थोड़े से ऐसे स्मैश कर देने, थोड़ा सा लेंगे यहाँ से खजाना रे खजाना, ठीक है ये आ गई जी बोटी। यहाँ से ले लेंगे थोड़ा सा अंडा रे अंडा, फिर इसे करना है जी हमने तय ऐसे। ओए होए 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 भाई साहब क्या कम्बिनेशन हो जाएगी यार, अच्छी तरह इसको जरा ना ये चीज़ अभी इसको हमने चाय में ओहो दूध में गोते ऐसे। ओ भाई साहब दिस इज़ द एग्जैक्टिव ऑप्टिमम बाइट, बिस्मिल्लाह बरकत। हाँ नहीं मज़ेदार। सो खवातीन और हज़रात, अभी जो है थोड़ा मेरा नाश्ते का उजाड़ा करने के बाद किधर आ गए यार, बदर हेयर सलून, बदर भाई हेयर सलून। सो लिहाजा बहुत ही लेट हो गए भाई साहब, घर के काम शाम भी सारे खत्म किए हैं, फिर डाटा एंट्री भी की है, फिर और भी बड़े काम शाम किए हैं, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे मेहमान जो हैं राणा शाहिद साहब, राणा अरशद साहब, हो सॉरी माजरत, जो कि हमारे नए बार्बर हैं। बार्बर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राणा साहब? ठीक हैं आप, फिट फाट? और भाई साहब आज हमने फ्लैक्स भी जो है ना वहाँ पे फिट कर ली है, वो आप चेक कर लो। और दूसरी फ्लैक्स जो है ना ये बहुत ही बढ़िया है, अब इसका कोई जुगाड़ लगाएंगे कि कहाँ पे लगनी है कहाँ पे नहीं, बाहर लगनी है कि अंदर लगनी है। सो लिहाजा शेख साहब टाइम टाइम देखें कि शेख साहब से क्या हो गया, टाइम हो गया इस्माइल टाइम की हो गया है हमेशा की तरह, दिखा ना तई 50 है इन्हें, लेकिन नज़र भी सही नहीं आ रहा है 50 तेरे बहुत चिट्टी स्क्रीन 50 का मतलब की राणा साहब का इंटरव्यू बाद चलाएंगे, पहले एने लाइए फ्लैक्स यार भाई। कैसे हो प्यारे भाई, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब मुझे टाइम दिखाई क्या हो गया अल्लाह रखे, वो 23 बज के क्या क्या मतलब होता है 23 टाइम देखो यार, मतलब इस्माइल नहीं पता टाइम देखो 11:50 हो गए ना यार, स्यापा पै गया हुए। सो हम दोबारा भुख लग गई, वह की करना यार, की नाम है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, भुख लग गई दोबारा यार। अच्छा चलो अभी देखते हैं, अभी बंद करते हैं फिर शॉप और चलते हैं जी कुछ खाना पीना करने, लेट्स गो। शटर बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे। हो भाई साहब अभी हम दुकान बंद करके कुछ बाहर से मैं एंड शिकरा जी एंड मोहसिन साहब कुछ खाना पीना करने आ गए हैं, और आप यहाँ पे देख लो ये जी पिज़्ज़ा एक्सपर्ट, हाँ गूगल मैप पे सर्च कर लेना, नहीं तो भाई साहब एड्रेस जो है इधर से देख लेना फ़ोन नंबर मिला के, ये इनका मेन्यू है हल्का फुल्का सा, और इनके पास क्या क्या होता है यार, शवारमा है, फ्राइज़ है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, स्यापा पै गया, और सिटिंग अरेंजमेंट भी है, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, और क्या नाम है अपने दोस्तों यारों के साथ और अपनी होने वाली बीवी के साथ भी आ सकते हो, स्यापा नहीं पै गया। सो ऐसा करते हैं कि अंदर चलते हैं, इनका मेन्यू दिखाते हैं, और भाई साहब इनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा शेख मोहसिन साहब हमें यहाँ पे लेके आए हैं फिलहाल, तो देखते हैं जी इनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा कैसा है कैसा नहीं कहता, वो बहुत ही मज़े का मेरे को, अच्छा जी देखते हैं कितना मज़े का है, चलो चलते हैं जी अंदर। यार ये जो है ना साथ जी, मैं सोच रहा हूँ अपने सलून के लिए जो है ना इस तरह की लाइट ना लगवा लूँ, बदर भाई हेयर सलून ये लिखा हुआ है पिज़्ज़ा एक्सपर्ट, सो चलो इस तरह की न्योन लाइट इसे बोलते हैं, तो कस्टमाइज्ड नेम तो इस तरह का बनवाएंगे यार एक आधा। सो लिहाजा अंदर बैठते हैं और मेन्यू दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। इधर चेक कर लो ये है जी इनका मेन्यू पिज़्ज़ा एक्सपर्ट वालों का, हमने यहाँ से शेख साहब मलाई बोटी मीडियम, तो ये जी इनका रेट, और ये चेक कर लो भाई, ओहो शेख साहब एक उठा के जरा अपनी प्लेट में तो करो कि मैं उठा लूँ, तो अच्छा शेख साहब उठा के प्लेट में कर लो, ओए होए 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 देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, ओहो कर लो मलाई बोटी पिज़्ज़ा,
और इसको भी साइड पे कर लो। और इस सब भाई उजाड़ा टाइम कैमरा बंद ना कर दें, कैमरा बंद कर दें। ये तुम लोडेड फ्राइज भी मंगाई है, ज़बरदस्त हो गया। ओ भाई साहब एक पीस तो उजाड़ा कर दिया, अभी जो है ना दूसरे की हम एक ऑप्टिमम सी बाइट बनाने जा रहे हैं। ये ऐसे किया, इसको कर लिया ऐसे, इसको कर लिया, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। ये चीज़ यार बड़ा मजेगा स्टार्ट, सही जगह पे लेके आया शेख। ये लोडेड फ्राइज इधर आ, लोडेड फ्राइज भी बीच में आ गई। ये चेक कर, बिस्मिल्लाह बरकत, ऑप्टिमम बाइट। यार शेख मजे की बात ये है कि पिज़्ज़ा तो बड़ा मजे का था और लोडेड फ्राइज भी मजे की थी, हमने तो उजाड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद हम शरारते क्या कर रहे हैं, ये रिमोट तुमने कहाँ से उठाया? शेख साहब ना उनकी एमबीएस में बदर भाई लोग चला के बैठे हुए हैं। शेख भी काम करने वाले कार यार। उस्ताद जी वैसे सिटिंग एरिया भी ज़बरदस्त है और अभी देखते हैं बिल शिल आता है कि नहीं आता। भाई थैंक यू यार, मजे का था, पिज़्ज़ा भी मजे का था, लोडेड फ्राइज भी बड़ी मजे की थी, लेकिन ये वाली हरकत मजे की नहीं थी। बंद कर दिया जाए। सो खवातीन हज़रात अभी थोड़ा वीरा घर आ गया होया जे। और भाई साहब क्या बताएं यार आपको, इतना मज़ेदार और सो डिलीशियस पिज़्ज़ा था यार, इतने ज़्यादा पिज़्ज़े खाए आज तक, उनमें से मज़ेदार जो था ना ये भी एक हमारी लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये था जी लाहौर गाज़ियाबाद बट चौक और गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ही पास और जहाँ पे इतवार बाज़ार लगता है उसके बिल्कुल पास पिज़्ज़ा एक्सपर्ट वाले, उनका नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपने मज़ेदार पिज़्ज़ा इस जगह से खाना हो तो भाई साहब आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। सो लिहाजा मैं तो कहता हूँ आज का लोग यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। आज क्या एक्टिविटी रही यार, कुछ खास एक्टिविटी तो नहीं रही। सुबह का नाश्ता किया, फिर घर के काम किए, झाड़ू पोछा किया, फिर सब्ज़ी वगैरह ला के दी, फिर डाटा एंट्री की, फिर और भी बड़े काम शाम किए और शाम को चले गए हम सलून पर। और भाई साहब राना शाहिद साहब से, क्या नाम था यार मुझे जहन से निकल गया, नए जो बारबर थे जो बाल वगैरह नहीं, तो वो भी जो है आपको मिलवा दिया उनसे भी, ठीक है। और कल जो है ना वो दो दो आपको फिर दोबारा दिखाएंगे। और हाँ यार मज़े की बात यह है कि थोड़े वीरे के बाल बहुत बड़े हो गए, मैंने अभी कटाने ने। थोड़े वीरे का अपना सलून है बताते खुद, लेकिन थोड़े वीरे के बाल चेक कर रहे हो की बने आया यार, तो बारे तो बा अभी ये बाल चाल भी कटवाएंगे। सो लिहाजा आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग देखकर मज़ा नहीं आया होगा। अगर तो आप बदर भाई यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्त लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, मुझे दे दें इजाज़त, आओ का फिर।